हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे होम्योपैथ्स सबसे अच्छे लोगों में गिनते हैं और हर कोई चाहता है कि वे उस टाइप की पर्सनालिटी को बिलोंग करें। ये इंडिविजुअल्स रेडिएंट, लविंग और स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। काफी संभावना है कि वे सेल्फ सेंटर्ड और इनकंसिडरेट भी हो सकते हैं। ये पर्सनैलिटी है फॉस्फरस। Disclaimer: This video contains information on homeopathic remedy. The purpose of creating this video is to spread information and knowledge about this remedy. We strongly discourage any self-consumption of medicine without a qualified doctor's consultation. Visual designers के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं फास्फोरस पे हमारा आज का डिस्कशन। फास्फोरस का मेन थीम है lack of personal boundaries, जो फास्फोरस साइकी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार होता है। वे सोशल और कम्युनिकेटिव इंडिविजुअल्स होते हैं और कंपनी चाहते हैं। फास्फोरस एक छोटे बच्चे की तरह दुनिया का अनुभव करते हैं। वे एक्सटर्नल इंप्रेशन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। वे एक स्पंज की तरह होते हैं जो इमीडिएट एनवायरमेंट में होने वाले सभी इंप्रेशंस, चाहे फिर वो प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट हो, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इमोशंस की वेव्स को अनुभव करते हैं। इतना इम्प्रेशनेबल होने की वजह से एक्सटर्नल इवेंट्स के मुताबिक फास्फोरस का मूड फ्लक्चुएट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। उन्हें एक पल में खुशी महसूस होती है और अगले ही पल में वे निराशा महसूस करते हैं, लाफिंग अल्टरनेटिंग विद सैडनेस। फास्फोरस के लिए इंट्यूशंस की दुनिया और फीलिंग्स बहुत अलाइव और रियल होती है, और इसमें वो फीलिंग्स भी इंक्लूड होती है जो दूसरे लोग फील करते हैं। हालांकि वे रिमार्केबल इंट्यूशंस के लिए कैपेबल होते हैं, लेकिन वे इमोशंस और विशफुल थिंकिंग को इंट्यूशंस के रूप में मिस इंटरप्रेट करने और इसके द्वारा भटकने की संभावना भी रखते हैं। उनके इंट्यूशंस रिलायबल नहीं होते हैं, क्योंकि वे सेंसुअल इम्प्रेशंस, इमोशंस और इमेजिनिंग्स में खो जाते हैं। उन्हें डर होता है कि उनके साथ या उनके प्रियजनों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। फास्फोरस व्यक्ति बहुत इनोसेंट होते हैं। वे ठीक वही कहते हैं जो वे सोचते हैं और महसूस करते हैं। इनोसेंट होना फास्फोरस की ना सिर्फ एक कमजोरी होती है, बल्कि उनकी ताकत भी होती है। वे अपने इनोसेंट और अनकंडीशनल लव से सबसे अत्याचारी इंसान का दिल पिघला सकते हैं। फास्फोरस की इनोसेंस उन्हें परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि इससे वे भोले बन जाते हैं। Study that file and report me soon. Okay, sir. उनके पास स्टेइंग पावर की कमी होती है। अगर उन्हें लंबे समय तक खुद को फिजिकली या मेंटली अप्लाई करना पड़ता है, तो वे रेस्टलेस हो जाते हैं। वे जल्दी बोर हो जाते हैं और थक जाते हैं। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फास्फोरस का स्ट्रॉन्गर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की वॉलंटरी बाउंड्री और मेंटल फोकस की आवश्यकता होती है। Boss is looking for you. I think it is regarding the file. I am going home. एस्केपिज्म फास्फोरस के डिफेंस मैकेनिज्म का कॉर्नर स्टोन है। जब सिचुएशन अनप्लेजेंट होने लगती है, तब वे फिजिकली या मेंटली उस सिचुएशन से खिसक जाते हैं और मोर अट्रैक्टिव सराउंडिंग्स की तलाश करते हैं। जब वे अपनी दोस्ती और स्नेह व्यक्त करने की बात करते हैं, तो वे शर्माते नहीं हैं। फास्फोरस इंडिविजुअल्स अफेक्शनेट और प्लेफुल होते हैं। दे डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड। फास्फोरस इंडिविजुअल्स को लगता है कि वे इंटेलिजेंट है और उनके पास इनफ वेल्थ और रिसोर्सेस है। वे महान और नेक इंसान है। ये सब सच हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि वे खुद ऐसा महसूस करते हैं। You are the best doctor. I always come to you for my treatment. He has been referred by many doctors. Exaggeration और इमोशनल ड्रामेटिज्म फास्फोरस इंडिविजुअल्स का कॉमन ट्रेट है। वे हिपोक्रेट और अडल्टरस हो सकते हैं। From where did you graduate? YMT Homeopathic Medical College. Wow.
My cousin's daughter also graduated from this college. She might be your junior. Is it? What's her name? Phosphorus individuals curious लोग होते हैं. वे आपके प्रति अपना affection दिखाने के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं और अपने फायदे के लिए इस affection का उपयोग करने का इरादा रखते हैं. We have made so much of investment, and now, the client is not responding. We can easily go bankrupt. Don't worry. I will find a way. Phosphorus personality के लोग optimistic होते हैं और आमतौर पर right solution खोजने के efforts में कभी हार नहीं मानते. उन्हें यह विश्वास होता है कि उनकी intelligence, resources और connections निश्चित रूप से उन्हें right solution तक पहुंचाएंगे. बहुत प्रयास करने के बावजूद जब वे समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं तब वे हेल्पलेस फील करते हैं और एंग्शियस हो जाते हैं. What happened? I have tried everything with this client. Nothing is working. Don't worry. Such things happen. It will work out. फास्फोरस इतने इम्प्रेशनेबल होते हैं कि अपनी एंजाइटीज को दूर करने के लिए उन्हें बस थोड़े से रीअश्योरेंस की जरूरत होती है. थोड़ा सा एनकरेजमेंट उनकी उदासी को दूर करने के लिए पर्याप्त होता है. ये फास्फोरस का एक्सटर्नल इम्प्रेशन के प्रति एक्सट्रीम ओपननेस ही है जो उन्हें एंजाइटी के प्रति वल्नरेबल बनाता है. फास्फोरस पर्टिकुलरली एंजाइटी से तब सफर करते हैं जब वे प्रेशर में होते हैं, जब वे एक्साइटेड होते हैं और जब वे नए सराउंडिंग्स में होते हैं. पर्टिकुलरली रात में या अंधेरे में अकेले रहने से फास्फोरस एंग्शियस होने लगते हैं. लोगों की प्रेजेंस में उनकी अवेयरनेस प्रेजेंट में बनी रहती है और वे इमेजिनरी टेरर्स में जाने से बच जाते हैं. उनकी फर्टाइल इमेजिनेशन अकेले में और अंधेरे में उन पर हावी हो जाती है जिसके कारण वे जहां भी देखते हैं उन्हें चेहरे दिखाई देते हैं. फास्फोरस भूत आत्माओं से डरते हैं और उनमें विश्वास भी करते हैं. Why am I having pain in chest? Is it heart attack? जब फास्फोरस एंग्शियस पीरियड से गुजर रहे होते हैं और उस समय अगर उन्हें कोई छोटा सा सिम्टम महसूस होता है तो ये छोटा सा सिम्टम उनमें जानलेवा बीमारी का डर पैदा कर सकता है. Something terrible is going to happen. फास्फोरस में एक और सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइटी होती है कि कुछ भयानक होने वाला है. ये प्रेज्यूमली उनके फियरफुल इमेजिनेशन के कारण होता है. What a pleasant surprise. I am so excited. Let me bring something to eat for you. What should I quickly cook for them? Anxiety के समय वे उन problems को invent करने के लिए responsible होते हैं जो मौजूद ही नहीं होते. वे अक्सर एक छोटी सी समस्या या खतरे को बड़ा बना देते हैं. स्ट्रेस और एंजाइटी में वे सबसे बुरा जो हो सकता है उसकी ही कल्पना करते हैं. It's okay. Just put off the fire. Don't worry. Everything is alright. Fortunately, थोड़े से रीअश्योरेंस से उनका डर आसानी से दूर हो जाता है. लैक ऑफ पर्सनल बाउंड्रीज की वजह से उन्हें हमेशा अपनी रक्षा के लिए और ये आश्वासन देने के लिए कि सब कुछ ठीक है किसी और की जरूरत होती है. Do you know, John met with an accident. Let's go to see him in hospital. No, I can't go there. How inconsiderate. I can't bear to see him in pain. Sensitivity इतनी ज्यादा होती है कि eventually phosphorus patient किसी से संवाद किए बिना घर के अंदर ही रहते हैं क्योंकि उनका दावा है कि वे संवाद करने से दर्द महसूस करते हैं. ये borderline insanity की एक सीवियर स्टेट है. फाइनली पेशेंट apathetic हो जाते हैं और फ्रेंड्स सराउंडिंग्स और अपने बच्चों के प्रति इंडिफरेंट हो जाते हैं. उन्हें बात करने की इच्छा ही नहीं होती है. वे अपने जीवन से ऊब जाते हैं और हमेशा उदास रहते हैं. तो ये था फास्फोरस पर हमारा आज का प्रेजेंटेशन. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें. यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो नाउ. कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.